टीम इंडिया ने बांग्लादेश को निदहास ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में 4 विकेटों से हराकर T20 ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। हालांकि इस जीत के बावजूद टीम के कप्तान रोहित शर्मा कार्तिक को 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजने पर निशाने पर आ गए थे। सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए लोगों ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल खड़े किए। मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा ने सवालों का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने क्यों दिनेश कार्तिक को 7वें नंबर पर भेजा। हम जानते थे कि आखिरी ओवर्स में मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग करने आएंगे, इसलिए हम चाहते थे कि कार्तिक जैसा अनुभवी बल्लेबाज उनका मुकाबला करे। आपको बता दें, जब मैच में रोहित शर्मा आउट हुए तब टीम इंडिया को जीत के लिए 6.4 ओवर में 70 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने हैरान करने वाला फैसला लेते हुए शानदार फॉर्म में चल रहे कार्तिक की बजाय विजय शंकर को बल्लेबाजी के लिए भेजा। ये पहला मौका था जब विजय सीरीज में बल्लेबाजी करने आए। टीम मैनेजमेंट का ये फैसला उस वक्त सवालों के घेरे में आ गया जब टीम को आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 35 रनों की दरकार थी, लेकिन विजय मुस्तफिजुर रहमान के 17वें ओवर में 5 गेंदों पर 1 रन बना पाए। इतना ही नहीं, 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर मनीष पांडे भी आउट हो गए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 2 ओवर में 34 रनों की जरूरत थी और ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला भारत के हाथ से निकल गया है। बहरहाल दिनेश कार्तिक ने 19वें ओवर में 22 रन बनाकर भारत की मैच में वापसी करवा दी। तो वही जब आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पर टीम इंडिया को 5 रनों की दरकार थी, तब कार्तिक ने शानदार छक्का जड़ टीम इंडिया को त्रिकोणीय सीरीज का विजेता बनाया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।